सो गुड आफ्टरनून यूट्यूब। काफ़ी ज़्यादा यू नो एडवेंचर गाड़ियों का इंडिया में ट्रेंड चल रहा है। काफ़ी जो सेगमेंट्स में अभी तक एंटर नहीं करते थे, जैसे कि सुजुकी हो गया, यमा हो गया, ये सारे अब धीरे धीरे एंटर करने लग गए हैं। होंडा ऑलरेडी एंटर कर चुकी है जो CB200X के साथ में, तो वो भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, शायद उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो जैपनीज़ है वो ओवर रॉयल एनफील्ड या फिर KTM के कंपेयर में कैसे खरीद करती, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज मैं जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है सुजुकी की V-Strom 250। जी हाँ, काफ़ी नई नई लॉन्च हुई है। एक्स शोरूम बहुत अच्छा रखा गया है, 213,000 के हिसाब से 250cc 26 BHP के आसपास का पावर, तो काफ़ी अच्छा है। इससे ज़्यादा अगर 250cc में कोई पावरफुल गाड़ी आप देखेंगे तो वो होगी एडवेंचर 250। तो उसके पीछे अगर देखा जाए तो जितनी भी 250cc की कैटेगरी की बाइक्स है उसमें ये सेकेंड नंबर पर आती है। काफ़ी अच्छी पावर डिलीवरी है, काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स है, 6 स्पीड गियर के साथ मिलता है और एक हाईवे और एक सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आप लोग इस बाइक को खरीदना चाहेंगे, क्यों खरीदना चाहेंगे, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को चैनल को तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई राइड की वीडियोज डालूँ या फिर मेरी फिटनेस लाइफस्टाइल से वीडियोज डालूँ आप उन्हें देख पाएँ। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हैं तो ये बाइक आप कंसिडर करेंगे, अगर करेंगे तो किन पॉइंट्स को आप चाहते हैं। तो चलिए मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करूँगा, वो तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो लगभग V-Strom जो 650 है उससे लिया गया है, 1050 से लिया गया है, तो हायर जो V-Strom थे उनसे लिया गया है ये डिज़ाइन। और जो इसकी जो काफ़ी जो एलिमेंट्स है वो जिक्सर 250 से लिए गए हैं, इंजन हो गया, हेडलाइट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यू नो एक सोच में डाल दी क्या ये गाड़ी लेना चाहिए। देखिए, एडवेंचर सेगमेंट ऐसा नहीं कि इंडिया में पहली बार आया है या फिर इससे पहले कोई गाड़ियाँ नहीं आई है। आपको पता होगा यमहा की फेजर सीरीज़ थी, वो भी यही सेगमेंट में आती थी, बट वैसा एडवर्टाइजमेंट उसका नहीं होता था। एक FZ सीरीज़ थी उसकी और एक फेजर सीरीज़ थी। तो अभी जो फेजर 250 थी, जो 25 फेजर 25 वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, वहीं के वहीं FZ 25 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आप लोगों ने उसके वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखे भी होंगे। तो क्या ये बाइक्स लेना चाहिए? देखिए, अगर आप लोग मोस्ट ऑफ टाइम ऑफिस जाना चाहते हैं और कभी कभी आप टूरिंग करते हैं, संडे लॉन्ग राइड्स हो गई, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर टूरर है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका जो ट्रैवल है, सस्पेंशन ट्रैवल है इस गाड़ी का बहुत कम है, 120mm के आसपास है। और जो सस्पेंशन आप जब लॉन्ग राइड में जाते हैं, आपकी गाड़ी में जब लगेज लगा होता है और आप कोई अननोन जगह पे चले जाते हैं तो आप प्रिपेयर नहीं होते हैं सस्पेंशन की वजह से, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन एक अच्छा है कि और भी काफ़ी चीज़ें आने वाली, जैसे कि हिमालयन 450 आने वाली है, शायद से यमहा कुछ और नया लेकर के आए, होंडा ने ऑलरेडी CB200X ला चुके हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की। मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी ये सेगमेंट अब दूसरे ब्रांड्स के दिमाग में आ रहा है, तो अभी देखना होगा कि कैसे परफॉर्म करती है। तो ऑन रोड मुंबई की इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग 250 के आसपास जाती है, 240-250 के, और शायद जहाँ आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ ये चेंज होंगे, तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो इसका एक्स शोरूम है वो 213,000 के आसपास है। तो आपको मैं इसके स्पेसिफिकेशन एट द एंड बता देता हूँ, ताकि आप लोग अगर कुछ पढ़ना चाहें या फिर आप लोगों को या फिर अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी एक समझ पाए। मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा ट्रैवल की वजह से यू नो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जो सीट हाइट है वो 835mm है, और अगर ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा मतलब ऑप्शन था बट उन्होंने वैसा नहीं किया। सेम इशू ये CB200X के साथ में भी हुआ है कि जो उसका ट्रैवल है वो इतना नहीं है, उसकी वजह से उसकी जो कैपेबिलिटी है थोड़ा सा भी ऑफ रोड ज़्यादा नहीं कर सकती, केवल वो हाईवे टूरिंग कर सकती है और वो सिटी कर सकती है, वो तो आप कोई भी बाइक पे कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपके सजेशंस या फिर आपके थॉट्स क्या है इस बाइक के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे बैक टू हम अपने ट्रैक पर आ रहे हैं, तो भी आप लोगों को बहुत सारे टूरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद हो, टूरिंग वाले वीडियोस पसंद हो या फिर मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।